बच्चों अभी हमारा हिंदी का पीरियड है और आप सभी किस कक्षा में हो? दूसरी कक्षा में हो। तो आज हम कुछ नई मात्रा सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आज हम कौन सी मात्रा सीखने वाले हैं आपको मालूम है? हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं उ की मात्रा, जो हमारा पार्ट पांचवा है। कौन सा पार्ट है हमारा? पांचवा पार्ट। तो यदि आप पेज नंबर 30 पर निकालोगे, यहाँ पे आपको यह दिखाई देगा, ठीक है? यह है हमारा पार्ट पांचवा। तो इस पांचवे पार्ट में हम देखने वाले हैं क्या? छोटे उ की मात्रा। क्या सीखने वाले हैं? छोटे उ की मात्रा, जो हमारा दूसरा जो उ आता है वो बड़ा उ आता है। हाँ, उसकी मात्रा अलग होती है, उसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, लेकिन आज हम अध्ययन करेंगे छोटे उ की मात्रा। तो बच्चों, ये छोटे उ की मात्रा इस प्रकार होती है। अच्छे से देखो सब। हाँ, तो ये इस तरह से मुड़ी हुई होती है, ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि ये उ की मात्रा किस तरह से हमारे वर्णों में लगती है, व्यंजनों में आती है। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, यदि हम क को ये उ छोटे उ की मात्रा लगाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा कु। ख को लगाएंगे तो ये बन जाएगा खु। ग को बना लगाएंगे तो बन जाएगा गु। घ को लगाएंगे तो बन जाएगा घु। ग पर च को लगाएंगे तो बन जाएगा चु। हाँ, यानी कि अभी आपने देखा कि यदि मैंने क ख ग घ च इन सभी को यदि हमने यह छोटे उ की मात्रा लगाई तो उसका उच्चारण हम किस तरह से करते हैं? दीर्घ नहीं करते, हाँ, अच्छे से झट से कर जाते हैं, ठीक है? उसका उच्चारण हमें किस तरह से करना चाहिए? झट से करना चाहिए। इस उ में हम अधिक जोर नहीं देने वाले हैं, ठीक है? और अभी आपको ये क से लेकर च तक मैंने आपको लिखकर दिखाया है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है? तो आपको एच डब्ल्यू है, क्या है? छ से लेकर श्र तक उ की मात्रा लगाओ। तो ये आपका क्या है? होमवर्क है, जो आपको अच्छे से आपके नोटबुक में, आपके कापी में लिखना है। ये देखो, मैंने यहाँ पे आपके आपके लिए ये अच्छे से लिखकर दिखाया है ना? सभी को दिखाई दे रहा है? हाँ, इसकी मैं फोटो भी भेजूंगी ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई देगा और आपको अच्छे सुंदर शास्त्र में इसको हस्ताक्षर में अच्छे से लिखना है, ठीक है बच्चों? हाँ, उसके बाद बारी आती है हमारे अगले पढ़ाई की, जो है बोल बोल कर पढ़ो। तो बोल बोल कर पढ़ो यानी कि क्या करेंगे? तो ये शब्द जो है हम जोर जोर से पढ़ेंगे ताकि हमें बहुत सारे शब्दों की जानकारी प्राप्त हो, और बहुत सारे शब्दों की हमें जानकारी प्राप्त होगी तो हम क्या कर सकेंगे? हिंदी को अच्छे से लिख सकेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये देखो पेज नंबर पांचवा उ की मात्रा पर, ये है छोटे उ की मात्रा, ठीक है? हाँ, तो यह चित्र देखो और पढ़ो, यानी कि यहाँ पे कुछ चित्र दिखाई देंगे। तो पहला चित्र है उपहार, उसके बाद बारी आती है उपहार। उपहार का मतलब है किसी को हम गिफ्ट देते हैं। यदि हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, इस गिफ्ट को हम क्या कहते हैं? उपहार। उसके बाद बारी आती है गुलाब। तो ये है ग। ग इस वर्ण को हमने क्या लगाया है? पहले उ की मात्रा लगाई है, तो यह बन जाएगा गुलाब, ठीक है? उसके बाद है चुहिया। चुहिया यानी कि क्या होती है? हाँ, उंदी। तो उसको हम मराठी में क्या कहते हैं? उंदी, ठीक है? तो यह है चुहिया। तो इसमें च इस वर्ण को छोटे उ की मात्रा है, ठीक है बच्चों? तो ये हमारे चार चित्र है, और इस चार ही चित्रों में, चारों चित्रों में क्या किया है? छोटे उ की मात्रा का
इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है बोल बोल कर पढ़ो। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं लगभग ये 20 शब्द है। कितने शब्द है? 20। तो इसमें से मैंने आपको 5 शब्द यहाँ पे लिखकर दिखाए हैं। ठीक है, जो आगे के शब्द है वो आपको आपके नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। तो बच्चों पहला शब्द कौन सा है देखो? तो पहला शब्द है कुल। तो ये कुल जो शब्द है वो कैसे बनता है देखो? क छोटे उ की मात्रा, ल कुल। ठीक है, उसके बाद ख छोटे उ की मात्रा, ल कुल। प छोटे उ की मात्रा, ल कुल। घ छोटे उ की मात्रा, ल घुल। ख छोटे उ की मात्रा, ला खुला। तो इस प्रकार ये 5 शब्द हैं। हम फिर से पढ़ेंगे देखो। हाँ, कुल, खुल, पुल, घुल, खुला। तो ये हम 4 शब्द इस तरह से हम पढ़ते हैं और इस उ की मात्रा पर हम अधिक जोर नहीं देने वाले, हम इसको झट से बोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसके आगे के जो शब्द है वो आपको अच्छे से आपके नोटबुक में लिखने हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे नोटबुक पे मैंने किस प्रकार लिखे हुए आपके लिए। हाँ ठीक है, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको आपके ध्यान में रखनी ही है। क्या रखनी है? तो इसके इसका पहला जो नियम है, हम इसको हम नियम भी कह सकते हैं, इसका जो पहला नियम है वो है उ की मात्रा में, उ की मात्रा का जब हम उच्चार करते हैं तो उस पे हम ज्यादा जोर नहीं देते, अधिक जोर नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा नियम है कि जो उ उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, वो सभी वर्णों में यानी कि क ख ग घ च छ जितने भी हमारे वर्ण हैं उन सभी वर्णों में कहाँ पे लगती है? नीचे लगती है। कहाँ पे लगती है? इस प्रकार नीचे लगती है। प हमारा एक वर्ण ऐसा है, इस वर्ण में वो कहाँ पे लगती है? उसके पेट में लगती है। और वह वर्ण है र। कौन सा वर्ण है? र। ये जो र वर्ण है सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो र वर्ण है तो इस र वर्ण में ये उ की मात्रा। ठीक है बच्चों, य है र, इस प्रकार हम र लिखते हैं। हाँ, तो इसमें हम यदि य छोटे उ की मात्रा लगाते तो वो जो मात्रा है वो उसके पेट में लगती है, वो उसके नीचे नहीं लगती। यदि आप इस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार यदि आप लिखोगे उ की मात्रा, तो ये क्या होगा? गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, ये बराबर नहीं है, ये रॉन्ग होगा। तो आपको उ किस तरह से लिखना है? इस तरह से। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसके आगे के हम पढ़ने करेंगे। तो यहाँ तक हमने आज छोटे उ की मात्रा की पहचान की है। ठीक है, उसके आगे हम आज कुछ नया सीखेंगे। चलो बच्चों, आपके पास हमारा बुक है ना? हाँ, तो उसके उसका पेज नंबर 32 निकालो सर। निकाला सकते? हाँ, तो यहाँ पे इतना अच्छा और प्यारा चित्र है, आपने सबने देखा? हाँ, तो इस चित्र में क्या दिया हुआ है? हाँ, आपके जैसी छोटी सी लड़की यहाँ पे है और यहाँ पे एक अलमारी है इस चित्र में, और यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, और यहाँ पे छोटी सी चूहिया है, और इस कुर्सी पर पिंक कलर का यानी कि गुलाबी रंग का क्या है? एक कुर्ता पड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दो पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे कर्टन के पर्दे हैं, पर्दे हैं, और यहाँ पे यहाँ क्या है? खिड़की है। तो ये जो छोटी सी बच्ची है इसका नाम क्या है आपको मालूम है? नहीं। और
कहानी सुनेंगे तब आपको यह पता चलेगा। यह कहानी मैं आपको अभी पढ़कर सुनाती हूँ। अभी आप क्या करोगे, आपकी जो उंगली है वो वहाँ पे यहाँ पे होनी चाहिए। आप भी थोड़ी थोड़ी कोशिश करो ताकि आपको हिंदी अच्छे से पढ़ने को आ सके, ठीक है? और आपको आ रहा है अच्छे से, है ना? हाँ, आप भी ये पढ़ सकते हो अच्छे से, पढ़कर अपने दीदी को, भैया को और माँ को अच्छे से पढ़कर सुनाओ। ये बहुत ही मजेदार कहानी है, ठीक है? चलो तो मेरे साथ पढ़ो सर। हाँ, आपकी उंगली कहाँ पे होनी चाहिए? आपके बुक पर। हाँ, तो हमारे इस कहानी का नाम है नटखट चूहिया। क्या है? नटखट चूहिया। तो ये चूहिया इस चित्र की है, पर ये चूहिया कैसी है? नटखट है। नटखट यानी कि शरारती, जो किसी को टोकती रहती है, किसी को क्या करती है, वो नटखटपन करती रहती है, ठीक है? वो अच्छे से सीधी सादी बोलने वाली बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आप भी सब नटखट हो। हाँ, तो ये नटखट चूहिया है। तो पहले हम देखेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। तो देखो, मुनिया बाजार गई। इस लड़की का नाम क्या है? मुनिया। मुनिया कहाँ गई? मुनिया बाजार गई। नया कुर्ता लाई। उसका कुर्ता गुलाबी था। कुर्ता कुर्सी पर रखा था। एक चूहिया चुपचाप आई, वह कुर्सी पर चढ़ गई। सब वह कुर्सी पर चढ़ी। मुनिया का कुर्ता उतर गया। तभी मुनिया आ गई। चूहिया भाग कर दुबक गई। मुनिया बहुत दुखी हुई। चूहिया कान पकड़ कर बाहर आई। नटखट चूहिया भी दुखी हुई। तो एक बार क्या हुआ, मुनिया नाम की एक लड़की थी और उसने क्या किया, बाजार गई और उसने बाजार से एक कुर्ता लाया। तो कुर्ता किस रंग का था? तो गुलाबी रंग था। गुलाबी रंग का कुर्ता उसने बाजार से खरीद के लाया। और वो जो कुर्ता था वह किस पर लगा? कुर्सी पर लगा। वहां पे चित्र में दिखाया है, देखो यह कुर्सी है। हाँ, चेयर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चेयर। और हिंदी में उसको हम बोलते हैं कुर्सी। तो यहाँ पे उसने रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुनिया वहां से चली गई। उसने कुर्ता रखा, वो चली गई। तो वो कुर्ता देखते ही एक नटखट चूहिया छोटी सी थी, तो क्या हुई, चुपचाप आई। कैसे आई? चुपचाप, आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, और आपके अपने पैरों का आवाज नहीं करते हुए बिल्कुल चुपचाप वहां पे आई। और उसने क्या किया, वो कुर्सी पर चढ़ गई। यानी कि इस कुर्सी पर रखा था, इसलिए वो उस कुर्सी के ऊपर चढ़ गई। और उसको क्या हुआ, वो कुर्ता जो अच्छा लगा था, पर उसने क्या किया, उस कुर्ते को उतर गई। उतर गई यानी कि उतरना, इसका मतलब है उसको उसने काट डाला, उसको चबाया। मराठी में उसको कहते हैं कुर्तड़ी। उसका मतलब है उस कुर्ते को उसने क्या क्या किया, कुर्तड़ुंटा किया, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, तभी मुनिया आई वहां पे और उसने देखा कि क्या देखा, मुनिया आते हुए देखा चूहिया ने, तो चूहिया वहां से भाग गई। इस प्रकार आगे दुबक गई। दुबक गई यानी कि क्या हुआ, चूहिया भाग कर दुबक गई, यानी कि उसने भाग भाग गई। और वह ऐसे दुबक के उसको देख रही थी, ऐसे देख रही थी, यानी कि वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए वहां से भाग गई, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मुनिया बहुत दुखी हुई। मुनिया को बहुत दुख हुआ, बहुत ही, क्योंकि उसने नया कुर्ता लाया था बाजार से और इस नटखट चूहिया ने उस कुर्ते को उतर दिया था, इसीलिए वो दुखी हुई। तो मुनिया दुखी हुई, तो ये सब क्या हुआ, कौन देख रहा था, चूहिया देख रही थी। और चूहिया कैसी थी, नटखट। पर मुनिया को दुखी देखकर
इस चूहिया को भी बहुत दुख हुआ, तो वो क्या हुआ, कान पकड़कर बाहर आ गई। उसने अपने दोनों कान पकड़े और नटखट चूहिया भी दुखी हुई, यानी कि उस चूहिया ने मुनिया को क्या कहा, सॉरी किया। उसको भी बहुत दुख हुआ कि मुनिया मैंने ऐसे ये कुर्ता उतर दिया है, आई एम सॉरी, इस तरह से वो उसको सॉरी बोल रही थी। तो बच्चों इस कहानी से हमने क्या सीखा है, यदि हम कोई भी गलती करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए, ठीक है, सुना हो, ठीक है। आज हम यहीं पर रुकेंगे, इसके आगे की पढ़ाई हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, धन्यवाद।